डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्ट डिजाइन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसा कि देख करके आप समझ गए होंगे, 3S। ठीक है, ये 3S प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर क्या है इसको समझें। उसके पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता था। ये हम लोग काफ़ी सारे वीडियो में पढ़ चुके हैं पिछले, आप देखेंगे तो। अब इसमें प्रोडक्ट का हमने बताया था कि प्रोडक्ट जो है व्हाट एवर द थिंग्स विच आर यूज्ड टू मेक द लाइफ कंफर्टेबल टू ह्यूमन बीइंग इज बेसिकली प्रोडक्ट, और एनीथिंग विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, यदि मार्केट में वह बिक जाता है तो वेल एंड गुड एंड इट इज ओनली प्रोडक्ट, एंड इफ यू कुड नॉट सेल इट देन इट इज जस्ट वेस्ट। यदि मार्केट में उसकी उपयोगिता है तब तो वो प्रोडक्ट है, मार्केट में उपयोगिता नहीं है, वो बिना मतलब का पड़ा हुआ है तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो इस तरह से हमने बताया था कि प्रोडक्ट डिजाइन मतलब प्रोडक्ट के अंदर जो है क्या होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, यूजेबल, ये सारी कहानी हमने बताया था। उसके बाद ये प्रोडक्ट के प्रोसीजर भी हमने बताए थे कि नीड जो है ना, प्रॉब्लम, डिफिनीशन, सिंथेसिस, ये लेक्चर नंबर 13 में आप जाकर के इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बताने के बाद आज जो है, इसके पहले हमने डिजाइन मॉर्फोलॉजी भी जो है बहुत डिटेल में बताया था, वह भी आप देखे होंगे आई थिंक। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो 3S। 3S मतलब क्या, शादी हुई, S मतलब शादी, और शादी हुई तो 3 बच्चे हैं प्रोडक्ट डिजाइन के, जिसको कि 3S के नाम से जानते हैं। पहला बच्चा जो है वह है आपका सिंप्लीफिकेशन। तीनों बच्चे के बारे में आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन। दूसरा बच्चा जो है वह है स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। और तीसरा बच्चा है आपका स्पेशलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, कई बार एस लिखते हैं, कई बार जेड लिखते हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों सही है। ये सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, ये 3 बच्चे हो गए। और आज हम लोग इसी तीनों को बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना, पहले शॉर्ट में हम समझा दें आपको कि सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है क्या। तो सिंप्लीफिकेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, किसकी, जब हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन मतलब व्हाट, सादा सबका दादा कहते हैं ना, बी सिंपल, बी सोबर, ठीक है ना, जो सिंपल रहते हैं, जो सादा जीवन, उच्च विचार कहते हैं ना, तो ये सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है ना, अब सिंप्लीफिकेशन को सबसे पहले हम लेंगे, ठीक है ना, इसको लेंगे सिंप्लीफिकेशन, पहले शॉर्ट में तीनों को बता देते हैं, उसके बाद एक एक करके आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द वेराइटी ऑफ अननेसेसरी पार्ट्स। जैसे आप कभी साइकिल देखे होंगे, मोटरसाइकिल देखेंगे तो नंबर ऑफ पार्ट्स कभी काउंट करते हैं कितने हैं, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स पार्ट्स आर देयर। तो नंबर ऑफ पार्ट्स को आप कम करते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ पार्ट्स को नहीं, वेराइटी ऑफ पार्ट्स को कम करते हैं। किसी प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मटेरियल्स हैं, नंबर ऑफ मटेरियल्स हैं, ठीक है ना, तो उसको आप कम करते हैं, तो ये हो जाता है सिंप्लीफिकेशन। उसी तरह से स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड पार्ट, फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्डाइजेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मुझे लगता है वह है मोबाइल का चार्जर। कई बार आप देखते होंगे कि आपका मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया तो आप चार्जर खोजते हैं। अब चार्जर यदि एक स्टैंडर्ड है जो किसी भी मोबाइल में फिट हो जाए, तब तो आप किसी से भी मांग सकते हैं, कहीं से भी उधार लेकर के अपना काम चला सकते हैं। लेकिन आपके पास कोई एक ऐसा मोबाइल है जिसमें कोई एक स्पेसिफिक चार्जर ही लगता है, कोई स्पेसिफिक ही चार्जर लगता है, तब तो आप परेशान हो जाएंगे। यदि भूल गए तो चार्जर मिलेगा नहीं मिलेगा कहना संभव नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड चार्जर नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यही होता है कि फिट फॉर ऑल, जहाँ भी हम देखें वहाँ फिट हो जाए, ठीक है ना, तो दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, कहते हैं ना स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मतलब जैसे इवन मोबाइल का कनेक्टर खराब हो जाए तो दूसरा कनेक्टर सेट ही नहीं होता रहता, अब उसके लिए पर्टिकुलर आपको सर्विस सेंटर पे, पर्टिकुलर जो है कंपनी के सर्विस सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा, तब जा करके आपका काम हो पाएगा।
ठीक है। तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हैं इसको, मोनोटोमी माने हर चीज के स्पेशलाइजेशन। जैसे आपको घर में कोई होगा जो सब्जी बनाने के स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है ना, कोई रोटी बहुत अच्छा बना सकता है। आदमी के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होता है कि कोई बोल अच्छा सकता है, कोई समझ अच्छा सकता है, कोई पढ़ अच्छा सकता है, कोई खेल अच्छा सकता है, सब काम सब आदमी नहीं करता है। ठीक उसी तरह से जैसे कंपनी में भी कुछ स्पेशलाइजेशन होता है जो अभी आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। जैसे आप नाम सुने होंगे, एक शहर है अलीगढ़। अलीगढ़ का मतलब क्या है, ताला के लिए फेमस है, लॉक के लिए फेमस है, ठीक है ना, लॉक के लिए पूरे इंडिया में वह फेमस है। कहते हैं ना अलीगढ़ का ताला समा मन वाला। तो वो क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन आ गया, ठीक है ना। जैसे हरिद्वार आप जाएंगे तो हरिद्वार इज स्पेसिफिकली फॉर भक्ति, ठीक है ना। दिल्ली आप जाएंगे, राजधानी है, तो स्पेशलाइजेशन है। एक तो सिटी की हम बात की, उसी तरह से प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जैसे एक कंपनी है सैकड़ों प्रोडक्ट बनाती है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, ठीक है ना। रिलायंस की हजारों प्रोडक्ट हैं, एक दो नहीं हजारों प्रोडक्ट हैं, लेकिन सबसे फेमस प्रोडक्ट क्या है उसकी, रिफाइनरी, ठीक है ना, रिफाइनरी। नहीं तो चलने के लिए तो रिलायंस के मार्केट भी, रिलायंस ट्रेंड भी है, सब चीज़ है, रिलायंस कम्युनिकेशन भी है, ठीक है ना, दोनों भाइयों की अंबानी बंधु की जो है अनेक अनेक प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन जो है रिलायंस इज नोन फॉर रिफाइनरी बेसिकली, ठीक है ना। हर कंपनी का एक वो है, तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, क्या हम समझे, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन दैट मीन्स कि अब सिंप्लीफिकेशन का डिफिनीशन यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहें, इट इज द प्रोसेस ऑफ, अब सबको हम एक एक करके लेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द वैरायटी ऑफ, या हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ, वैरायटी ऑफ अननेसेसरी पार्ट्स, अननेसेसरी पार्ट्स, मटेरियल प्रोसेस ईटीसी, ठीक ना। तो इससे जब आप करते हैं तो क्या हो जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे घर में 56 भोग बन गया, आप थाली में सजा दिए, तो ये सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ। सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंपल रोटी दाल सब्जी जो है, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन। जितना सहज रहेंगे, जितना आप सरल रहेंगे, ठीक है ना, लाइफ उतना ही आसान होगा। उसी तरह से प्रोडक्ट में भी जितना सिंप्लीफाइड रहेंगे, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ पार्ट्स जितना कम रहेगा, जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे ये पेन है, इसमें नंबर ऑफ जो है मटेरियल यूज हुआ है, जैसे इंक है अलग मटेरियल का, ये अलग मटेरियल का है, ये स्टील भी है, इसमें अनेक अनेक मटेरियल है, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड करना हो, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाइड करना हो तो देखिए सारा का सारा मटेरियल क्या हो गया, प्लास्टिक का हो गया, एकदम बिल्कुल सिंपल पेन। अब सिंपल पेन हो चाहे हाई फाई वाला हो, अब जैसे ये हाई फाई पेन है, ठीक है ना, अब इसकी कीमत आपकी 250 रुपया है और इसकी कीमत आपकी 5 रुपये की है, तो दोनों में अंतर क्या है, दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन जब हम करते हैं तो काम भी हमारा चल जाए, ठीक है ना, काम भी अच्छे से हो जाए, काम तो काम है, पेन का काम क्या है, लिखना, और कॉस्ट भी कम हो जाए, ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन बेसिकली होता क्या है, आपके कई सारे काम करता है, सबसे पहले प्रोसेस को, नंबर ऑफ प्रोसेस को रिड्यूस करता है, क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस, जैसे पेन बनाने के अंदर जितने भी प्रोसेस होंगे उसको रिड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली आपका नंबर ऑफ मशीन भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसमें प्रोडक्ट बननी है, मशीन भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप मटेरियल को रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम मटेरियल नहीं तो कम से कम नंबर ऑफ जो है ना, नंबर ऑफ मटेरियल, जैसे प्लास्टिक भी, स्टील भी, टीन भी, सब यूज कर रहे हैं आप, ठीक है ना, तो इसको हम आप कर सकते हैं कम। इससे क्या होगा, आपका क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है ना, सेलिंग करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें आप सिर्फ यही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि लॉन्ग रन में उस प्रोडक्ट का जो है आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू बढ़ती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप कभी इंटरनेट पर आप गूगल खोलिए और कभी आप याहू खोलिए, दोनों में अंतर क्या पाएंगे, याहू जैसे खोलेंगे ना आप,
याहू या रेडिफ आप दोनों खोल लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि ओपनिंग पेज पर ही दुनिया भर की चीज़ें रहती है। गूगल में क्या रहता है? कुछ नहीं, सिंपल गूगल, ठीक ना। तो ये क्या होता है, सादा सबका दादा। आज गूगल ज़्यादा चलता है कि रेडिफ चलता है, आप ही बता दीजिए। तो गूगल चलता है, तो क्या होता है मार्केट में एक ट्रेंड बन जाता है कि यार सिंपल तो है लेकिन सिंप्लिसिटी इज़ दी बेस्ट वे टू लिव दी लाइफ, टू लीड दी लाइफ, ठीक ना। सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कहते हैं ना सादा सबका दादा, बाद बाकी आप चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक ना। इसमें सेल्स डिपार्टमेंट को भी बहुत आसानी होता है, ठीक ना, कस्टमर के लिए भी आसानी होती है, ठीक ना, चीज़ों को समझाने में, ठीक ना, कस्टमर के लिए भी आसान होता है। उसको मालूम है कि इसमें नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स कम है, कुछ ख़राब भी हुआ तो रिपेयर हो जाएगा, ठीक ना। जो है आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ सिंप्लीफिकेशन, तो एडवांटेज यदि आप लिखना चाहें तो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज तो आपका ये रहता है कि इन्वेंट्रीज ऑफ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट दोनों ही रिड्यूस हो जाता है, ठीक ना। क्योंकि नंबर ऑफ मटेरियल कम हो गया तो नंबर ऑफ मटेरियल क्या हो गया, नंबर ऑफ आपका मटेरियल कम हो गया, तो हैंस फोर्थ आपका इन्वेंट्री भी कम हो जाएगा, ठीक है ना, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से, ठीक है ना, स्पेस भी आपका जो है क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। आपको जो है डिजाइन की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिजाइन नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक ना, नंबर ऑफ मशीन्स कम हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंपल प्रोडक्ट है, ठीक है, ज़्यादा तड़क भड़क है ही नहीं, ताम झाम है ही नहीं। इसी को तो हम जो है ज़्यादा ताम झाम वाले प्रोडक्ट जो है ना, जैसे चाइनीज प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो ख़राब भी उसी रेशियो से होते हैं, ठीक ना। जो है ऑर्डर आपका जो है मार्केट से मिलेगा तो ऑर्डर जो है वेटिंग पीरियड रिड्यूस हो जाएगा, वेटिंग पीरियड आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक ना। तो दीज आर द बेनिफिट्स, ठीक ना। और एडवांटेज जो है वेराइटी ज़्यादा देंगे, ठीक ना, वेराइटी यदि आप बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, वाइड रेंज ऑफ डिमांड जो है आपका बढ़ेगा, वाइड रेंज ऑफ डिमांड बढ़ेगा, ठीक ना, बेटर मार्केट वैल्यू आपकी बनेगी, ठीक ना। तो दीज आर दी एडवांटेज, ठीक ना, ये मतलब कि हम यदि कहें तो आपका जो है सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में, सिंप्लीफिकेशन की यदि हम बात करें ना, तो सिंप्लीफिकेशन के एडवांटेज ही एडवांटेज है, एडवांटेज ही एडवांटेज है, ठीक ना। हम इसमें डिसएडवांटेजेज को ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे, इसलिए हम डिसएडवांटेज बोल नहीं रहे हैं। हाँ, अब डिसएडवांटेज इसमें यदि कोई पूछता है तो ऐसा डिसएडवांटेज कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, लेकिन फिर भी कोई पूछता है तो आप डिसएडवांटेज में बता सकते हैं कि भाई इसमें जो है चूँकि तड़क भड़क नहीं रहती है, ताम झाम नहीं रहती है, बट यू हैव टू राइट ना, तो सिंस द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ इज लो, देन डिजाइन इज नॉट सो मच एस्थेटिक, सो फ्यू ऑफ कस्टमर गो आउट ऑफ द डिमांड, कुछ कस्टमर को पसंद नहीं आएगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। अब दूसरा चीज़ हम देखें, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, समझिएगा। अब स्टैंडर्डाइजेशन का दो चार हम जो बात बताए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहला तो हमने जो आपको बताया ना कि इसमें जैसे आपको स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे गोदरेज कंपनी का आप नाम सुने होंगे, और अलमीरा को भी गोदरेज ही कहते हैं, याद है आपको। तो ये अलमीरा को कई बार गोदरेज कहा जाता है क्योंकि एक कंपनी थी गोदरेज, ठीक है, है ही, ठीक है ना, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, मुंबई में है। तो अलमीरा जो बनाती है या इवन जो लॉक बनाती है बहुत फेमस है, ठीक है ना। तो नाम ही चल गया अलमीरा। अलीगढ़ की हम बात किए तो अलीगढ़ क्या है, ताला बनाने का खजाना है, वहाँ ताला खूब बनाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे हमने आपको बात किया भागलपुर की, हम बताएं तो भागलपुर हो गया, ठीक है ना, वहाँ के सिल्क
जो है ना फेमस है, ठीक ना। यदि आप बनारसी की बात करें, बनारसी साड़ी फेमस है, ठीक ना। तो इस तरह से कुछ कंपनी की बात करें, जैसे माइको बॉस है, माइको बॉस क्या बनाती है, स्पार्क प्लग बनाती है। अब इसका कोई तोड़ ही नहीं है दुनिया में, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में तो है ही। तो माइको बॉस जैसी कंपनी, इनकी स्पेशलाइजेशन है कि स्पार्क प्लग बनाती है, क्या स्पार्क प्लग बनाती है, ठीक ना। उसी तरह से जैसे कुछ कंपनी है जो मोटर लाइट्स बनाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं, क्वालिकॉम कंपनी है जो प्रोसेसर्स बनाती है। तो इस तरह से कुछ कंपनी का अपना स्टैंडर्डाइजेशन है, तीन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो बनाती है। अब उसी तरह से हमने आपको और अच्छा एग्जांपल दिया था मोबाइल चार्जर का, ठीक ना, कि एक ऐसा ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो जो हर मोबाइल में फिट हो जाए, तो कस्टमर के लिए क्या होगा, आसान होगा ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन दैट मीन्स रिफर टू रिड्यूसिंग द वैरायटी ऑफ आइटम्स टू मिनिमम बाय, जो है ना, ये वैरायटी ऑफ आइटम को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ आइटम्स को रिड्यूस करके स्टैंडर्ड आइटम, जैसे क्या बताएं आपको, जैसे टायर, जैसे बाइक का टायर है, तो हर बाइक का टायर हर में नहीं लगता है, सबका अलग अलग है, वो बड़ी परेशानी होती है, ठीक है ना। आपकी गाड़ी TVS की है तो TVS खराब है तो फिर TVS के ही शोरूम पे आपको जाना पड़ेगा, तो ये भी तो दिक्कत है। लेकिन यदि उसमें स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज हुआ है, जो हीरो होंडा का भी में भी वही प्रोडक्ट है, TVS में भी वही है, ठीक ना, जो है दूसरे कंपनी में भी, बजाज में भी वही है, तो उससे क्या फ़ायदा है आपको, कि आपको भाग करके सर्विस सेंटर पे नहीं जाना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पार्ट बोलते हैं, वो कहीं भी फिट हो जाता है, ठीक ना। उसकी सेम साइज, सेम शेप, सेम क्वालिटी, ये सब चीज सेम टाइप से रहेगा, ठीक ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो प्रोडक्ट बनाते हैं उससे बहुत सारे पैरामीटर्स है जो आपको कंसीडर करना पड़ता है। दैट मीन्स कि यूज टू विच द पार्ट्स टू बी इंटेंडेड, किस चीज़ के लिए हम बना रहे हैं, क्या हर कंपनी, जैसे मान लीजिए कि चार्जर की बात करें, सी टाइप चार्जर, तो अब सी टाइप का कनेक्टर भी तो हर कंपनी लगाए अपने मोबाइल में। अब सैमसंग में अलग चार्जर, रेडमी में अलग चार्जर, एप्पल आईफोन में अलग चार्जर, फलाने में अलग चार्जर, तो अब क्या होगा कि आपको कभी मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तब अब उस कंपनी वाले जो है चार्जर चाहिए आपको। लेकिन ऐसे जो है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, कोई भी चार्जर लग जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बनाते कैसे हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, तो पहले तो इंटेंशन जो है ना, यूज टू विच दीज पार्ट्स टू बी इंटेंडेड, कहाँ पर ये लगना है ये देख लीजिए। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स उसका देख लीजिए, कि ऐसा तो नहीं कि रेडमी के मोबाइल में आप सैमसंग का चार्जर लगाएंगे तो रेडमी का मोबाइल ही खराब हो जाए, ये भी एक टेंशन वाली बात रहती है, ठीक है। उसको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको यू हैव टू स्पेसिफाई द रेंज ऑफ फिजिकल डायमेंशन, टॉलरेंसेस, ठीक है ना, मशीन और इक्विपमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जहाँ पर भी है, इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन, ये सब चीज़ जो है आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है ना। प्रोसेस भी स्टैंडर्ड है, जैसे चाय बनाते हैं तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है चाय बनाने का, उसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है ना। यदि स्टैंडर्डाइजेशन का एडवांटेज पूछा जाए तो इसका भी एडवांटेज ही एडवांटेज है, ज़्यादा डिसएडवांटेज ज़्यादा कुछ नहीं है। एडवांटेज क्या है कि इसमें प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्यों, आपको मालूम है कि यही प्रोडक्ट सब में लगना है, यही पार्ट सभी मशीन में लगना है, ठीक ना। इसमें आप अननेसेसरी इंजीनियरिंग जो है आप इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक ना, अननेसेसरी इंजीनियरिंग आप नहीं करते हैं, और जो है क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सूटेबल कंपोनेंट आपको, सूटेबल प्रोडक्ट या कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी मार्केट में, उसको लिए लगा दिए। अब जैसे कार का जो है, या बाइक का टायर का एग्जांपल दे रहे थे, वो बड़ी दिक्कत होती है। TVS के टायर का, हर गाड़ी के टायर का एक नंबर होता है, अब वो नंबर ही आपको खोजना पड़ेगा, तो बड़ी मुश्किल होती है, ठीक ना। कुछ ऐसा डिजाइन रहे व्हील का कि कोई भी टायर फिट बैठ जाए तो आसान हो जाए हमारे लिए, इसी के चलते टायर का कीमत भी ज़्यादा रहता है, ठीक ना। उसके बाद
स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी उसको हम स्टोर कर सकते हैं, तो आपका इन्वेंट्री भी रिड्यूस हो जाता है, इन्वेंट्री भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। आपका प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि मास क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, क्यों, क्योंकि मास क्वांटिटी में जो है आप वो करते हैं, पार्ट्स का मेंटेनेंस, सर्विस कॉस्ट, ये सब कम हो जाता है, ठीक है ना। आप पूछेंगे सर इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज मैं फिर से बता रहा हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन का डिसएडवांटेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, सर्टेन लिमिटेशन हो जाता है डिजाइनर के ऊपर, किसके अगेंस्ट वाले कंपनी के ऊपर, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्जर लगना है तो कनेक्टर सबको स्टैंडर्ड लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसका प्रेसाइज होना चाहिए, प्रोडक्शन जो है आपका विद इन टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब लिमिटेशंस हैं क्योंकि हर जगह उसको यूज होना है, प्रोडक्शन टॉलरेंस शुड बी मिनिमाइज्ड, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। प्रोडक्शन कंट्रोल नीड्स टू बी टाइटन, ठीक है ना, प्रोडक्शन कंट्रोल भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दीज आर दी लिटिल बिट डिसएडवांटेज, बट देयर इज मच मोर एडवांटेज ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना। अब थर्ड और लास्ट जो है थोड़ा सा हम समझ जाते हैं क्या, स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। अब हमने स्पेशलाइजेशन का जो है हमने बताया ही कि हर चीज का एक स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन यदि हम आपको बताएं तो स्पेशलाइज, जैसे कोई गाना गाने में स्पेशलाइज है और दूसरा काम नहीं कर सकता है लेकिन गाना बहुत सुंदर गाता है, ठीक है ना। तो यदि हम इसको डिफाइन करें, हम स्पेशलाइजेशन को डिफाइन करें, तो डिफाइन क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, कि एडॉप्शन ऑफ प्रोडक्शन, एडॉप्शन ऑफ, एडॉप्शन एडॉप्शन ऑफ प्रोडक्शन पॉलिसीज, प्रोडक्शन पॉलिसीज बाई ए बाई ए मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस एस ए लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और टाइप हैविंग समथिंग स्पेशल, ठीक है ना। आपके गांव शहर में कुछ ऐसे होटल होंगे जो नाम चलता है कि नहीं यहाँ का खीर बहुत अच्छा है, नहीं यहाँ का रोटी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो दैट इज दी स्पेशलाइजेशन, तो उनका एक अपना प्रोडक्शन पॉलिसीज होता है जो दूसरे लोग कॉपी नहीं कर पाते हैं, और ये कहीं ना कहीं मार्केट में ये चल जाते हैं, मार्केट में क्या हो जाता है, ये चल जाते हैं। जब एक बार मार्केट में चल गए ना फिर नाम हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। तो आई होप कि ये जो 3S है प्रोडक्ट डिजाइन में, सिंप्लीफिकेशन, बहुत सिंपल शब्दों में आप समझ गए होंगे, स्टैंडर्डाइजेशन जो हमने आपको बताया, ठीक है ना, और जो है स्पेशलाइजेशन, तो ये तीनों ही जो है एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते थे, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट में समेटा है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन का एग्जाम्पल है, सबके अलग अलग अपने एग्जाम्पल है, लेकिन हम एक लिमिटेड दे सकते हैं क्योंकि वी आर हैविंग द लिमिटेड टाइम। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू, ठीक है ना, इन चीज़ों को दोनों को मत भूलिएगा, ठीक है ना, बाद बाकी हम तो हैं ही। थैंक यू वेरी मच।